मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, थोड़ा इंसाफ भगवान से दो यारो, थोड़ा इंसाफ करो। बड़ी शर्म आती है हमें देखते हुए कि हम राज देश के ना सोल्जर हैं, जहाँ पर हमें शर्म आएगी। रेल हम चलाते थे, जब दुनिया रोकती थी चलाते, जब डांटी सोल्जरों के गर्दन में गिर गई है तो हमें मजबूर होल का होकर रेलें रोकना पड़ेगा। 24-25 लाख आदमी है, कुछ बहुतों को थोड़ा बहुत दे दिया है, बाकी कोई किसी को नहीं दिया। ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं क्या जनता? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं साहब। अगर झूठ नहीं बोल रहे तो साहब आए बताए हमको। तो अभी आप लोगों की मुख्य मांगे क्या क्या है इस टाइम? जो हमारी मांग है साहब, सरकार को मालूम है, हम बोल रहे हैं कि हमारी 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी, 3 महीने का समय, और वो पूरी झूठ और सच निकाल देंगे। अच्छा, कमेटी जो बनाई जाएगी, हाँ, वो जो है सारी जांच करने के बाद पता लग जाएगा ये प्रधानमंत्री जी झूठे हैं या हम झूठे हैं। अगर वो आप कमेटी बना रहे हो, अगर कमेटी के जो अध्यक्ष बने, अगर वो बोल देंगे नहीं ये हम लोग अगर गलत हैं तो हम उठ के चले जाएंगे। अच्छा, अगर जब वो बोलते हैं नहीं सही है तो सरकार के सामने रखे हमारी कमी। रमेश सर से बात करो। सर, आप लोगों ने आह्वान किया पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों को कि 1 तारीख को काला दिवस मनाएंगे और क्या नाम रेल रोकेंगे, ये कहाँ की डिसिप्लिन है पूर्व सैनिकों? सर, डिसिप्लिन की बात ऐसी है कि हम लोग जो है संविधान के दायरे में आकर के ये सब कार्रवाई कर रहे हैं, और ऐसा करने के लिए हमें सरकार मजबूर कर रही है कि हम ऐसा करें। हमारी छोटी सी एक मांग है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी बना दी जाए, ताकि वो ये पता लगा दे कि हमारा जो आप बोलते हैं कि 90,000 करोड़ दे दिया, 65,000 करोड़ दे दिया, 70,000 करोड़ दे दिया, तो कहाँ दे दिया, किसको दे दिया? अफसरों को दिया, जवानों को दिया, JCO को दिया, विधवाओं को दिया, किसको दिया? हमें तो किसी को मिला नहीं, ना विधवाओं का कोई पैसा पड़ा, तो वो पैसा गया तो गया कहाँ? हम जो यहाँ 11 महीने से बैठे हैं तो हमें पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं, जो कि सरकार के आगे हम भैंस के आगे बीन बजाते जा रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है। तो इससे तो हमको बड़ा दुख लग रहा है कि सरकार जो है हमको संविधान के दायरे से बाहर ही लाना चाहती है। लेकिन हम जो रेल रोको भी प्रोग्राम करेंगे उसमें भी हम यही जनता से माफ़ी मांगते हैं कि उनकी जो तंगी आएगी तो उसका भुगतान सरकार करेगी। अपनी वर्दी पहनता है वो सभी बराबर हैं, आफ्टर ही सोल्जर, पहले देश का सोल्जर है, आफ्टर ही इज ए जनरल और एनी रिलेटेड टू रैंक, वो दोबारा किसी भी रैंक से तलका रहता है, वो पहले सोल्जर है और बाद में हैं हमारी MS की बात माननी चाहिए। दूसरा, गोली ना सोने की होती है ना लोहे की होती है, डिसेबिलिटी क्यों, डिसेबिलिटी में क्यों फर्क है? 2,70,000 100% के लिए अफसर को मिलता है, तो हमें जो है ना 27,000 मिलता है, 2,70,000 अफसर को मिलता है। दूसरी बात, मैं तो यहाँ तक भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि महंगाई भत्ते को बेस के पे से टैली ना किया जाए। महंगाई भत्ते की गोली सबके लिए बराबर है, केला 4 रुपए का आता है, जिसकी 1,000 रुपया पेमेंट है उसको 40 रुपए बढ़ते हैं, जिसकी 90,000 है उसको 3600 रुपए बढ़ते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, बांदर बांटा है। महंगाई भत्ता भी आइंदा के लिए सबके लिए बराबर होना चाहिए। केला मार्केट में 4 रुपए का एक जनरल को मिलता है, 4 रुपए का हमको मिलता है। एक बात का रोना हो तो रोए, सभी बात का रोना है, जो जनरल सब सबके लिए होनी चाहिए। हम अफसर की डेस्क पेमेंट के ऊपर नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको हमारे से ज़्यादा होनी चाहिए। जो अलाउंस है सर्दी गर्मी के अलाउंस है वो भी बराबर होनी चाहिए। सरकार को क्या मैसेज देना है? खड़े रहो। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, थोड़ा इंसाफ भगवान से दो यारो, थोड़ा इंसाफ करो। बड़ी शर्म आती है हमें देखते हुए कि हम राज देश के ना सोल्जर हैं, जहाँ पर हमें शर्म आएगी। रेलें हम चलाते थे, जब दुनिया रोकती थी चलाते, जब डांटी सोल्जरों के गर्दन में गिर गई है तो हमें मजबूर होल का होकर रेलें रोकना पड़ेगा।